हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट आयरिश पोइट राइटर नॉवलिस्ट शॉर्ट स्टोरी राइटर जेम्स जॉयसी। जेम्स जॉयसी के बारे में आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इनका टाइम ऑफ पीरियड 1882 से लेकर 1941 से 1 तक, तो इनके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। जेम्स ऑगस्टिन अलोशियस जॉयसी इनका फुल नेम है। इनका बर्थ हुआ था 2 फरवरी 1882 में, डेथ हुई थी 13 जनवरी 1941 में। वॉज एन आयरिश नॉवलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, पोइट, टीचर एंड लिटरेरी क्रिटिक। तो ये आयरलैंड के रहने वाली हैं, ये तो ये आयरिश हैं, इसलिए ये इनको आयरिश बोला जाता है। जो आयरलैंड के रहने वाले होते हैं इनको आयरिश बोलते हैं। ये एक नॉवलिस्ट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, पोइट, टीचर एंड लिटरेरी क्रिटिक थे। ही कंट्रीब्यूट टू द मॉडर्निस्ट एवेंट ग्रेट एंड इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंस एंड द इम्पॉर्टेंट ऑथर ऑफ 20th सेंचुरी। तो इन्होंने मॉडर्निस्ट यानी कि मॉडर्न जो एज चल रही थी इसमें इन्होंने बहुत ही अहम रोल अदा किया है अपने वर्क्स के साथ। तो उनके जो रोल के साथ कंट्रीब्यूशन के कारण ही उनको 20th सेंचुरी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट और इन्फ्लुएंशियल ऑथर्स में इनको गिना जाता है। तो जॉयसी के बेस्ट नोन वर्क्स हैं जैसे यूलिसिस 1922 में इनका जो वर्क आया है, ये एक लैंडमार्क है। इन विच द एपिसोड्स ऑफ होमर्स ओडिसी, होमर्स जो बहुत ही अच्छे राइटर हुए हैं एंशंट इंग्लिश में, एंशंट पीरियड में, उनका जो वर्क है ओडिसी उसको ये पैरलर लेकर चलते हैं अपने इस वर्क यूलिसिस में। मोस्ट फेमसली स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, और इसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो टेक्निक है उसको यूज़ करते हैं। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक बहुत ज़्यादा जिसमें देखते हैं जो राइटर होता है वो अपने जो करेक्टर है उसकी जो इनर और मेंटली सारी सिचुएशन रिप्रेजेंट करता है अपने वर्क में। ओके और ये इस टेक्निक का यूज़ हमने पहले भी डिस्कस किया, वर्जीनिया वुल्फ अपने वर्क्स में करती थी। अदर वेल नोन वर्क्स आर द शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस डबलिनर। तो इसके शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है डबलिनर, वो डबलिनर ये 1914 में पब्लिश हुआ जेम्स जॉयसी के द्वारा। और नॉवल इनका पोर्ट्रेट ऑफ आर्टिस्ट एज अ यंग मैन जो 1916 में आया, और द फिनगैंस वेक ये भी इनका बहुत ही फेमस वर्क है। हिज अदर राइटिंग इंक्लूडिंग 3 बुक्स ऑफ अ पोइट्री, तो इन्होंने पोइट्री की भी बुक्स पब्लिश करवाई हैं, प्ले एंड पब्लिश्ड लेटर एंड ओकेजनल जर्नलिज्म भी इन्होंने लिखे हैं। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो एक देख लेते हैं पूरा बायोडाटा इसका। बॉर्न, तो इनका फुल नेम देख लेते पहले, तो जेम्स ऑगस्टिन अलोशियस जॉयसी इनका फुल नेम है। बर्थ हुआ था इनका 2 फरवरी 1882 में, रात गर डबलिन आयरलैंड में हुआ था। तो डबलिन और इनका वर्क भी है, आपने ये भी याद रखना है। और डाइड हुए थे ये 13 जनवरी 1941 में, 58 की एज में, ज्यूरिच स्विट्जरलैंड में इनकी डेथ हुई थी। तो रेस्टिंग प्लेस इनका कहाँ पे है, फ्लंटर्न कैमेट्री ज्यूरिच में है। ये नॉवलिस्ट थे, एक इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते थे। रेजिडेंस प्लेस इनका है ट्राइस्टी पेरिस ज्यूरिक। तो नेशनलिटी आयरिश थी और सिटीजनशिप भी इनको आयरिश ही मिली हुई थी। अल्मा मीटर, कहाँ से इन्होंने एजुकेशन ली थी, कॉलेज एजुकेशन यूनिवर्सिटी कॉलेज डबलिन से ली थी। पीरियड में कौन से पीरियड में इन्होंने काम किया, 1914 से लेकर 1939 तक इन्होंने अच्छा काम किया इस पीरियड में। जॉनर, तो नॉवल शॉर्ट स्टोरी एंड पोइट्री लिखते थे। लिटरेरी मूवमेंट कौन सी थी, मॉडर्निज्म में इन्होंने काम किया है। नोटेबल वर्क्स हैं इनके डबलिनर, यूलिसिस, अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन एंड फिनगैंस वेक, ये इनके नोटेबल वर्क्स हैं। अब पोइट्री देखेंगे इनकी, जेम्स जॉयसी की। द हॉली ऑफिस 1904 में है, जो फर्स्ट मेच्योर पब्लिश्ड वर्क है इसका, माना जाता है इसको द
हॉली ऑफिस 1904 में आया इनका ये वर्क. देन चैम्बर म्यूजिक 1907 कंसिस्ट ऑफ 36 शॉर्ट लिरिक्स. तो इसमें 36 शॉर्ट लिरिक्स हैं. तो ये चैम्बर म्यूजिक 1907 में इनका ये पोइट्री कलेक्शन आया. गैस फ्रॉम अ बर्नर, गैस फ्रॉम अ बर्नर 1912 में ये इनका वर्क आया. आगे पोमेस पैनिच ये 1927 में जेम्स जोसी का ये वर्क आया है. देन एक पुअर 1932 में रिटन टू मार्क द बर्थ ऑफ हिज ग्रैंडसन. तो इन्होंने ये जो वर्क लिखा है, पोइट्री लिखी है 1932 में जो पब्लिश हुई थी, एक पुअर, तो ये इन्होंने लिखी थी ये याद कर रखने के लिए इसके इनके ग्रैंडसन का बर्थ हुआ था और रिसेंटली ही डेथ हुई थी इनके फादर की, तब भी उन्होंने ये वर्क लिखा था. तो मेजर वर्क्स के बारे में देख लेते हैं, लिस्ट देखेंगे कौन कौन से वर्क कब कब लिखे हैं इन्होंने. तो यूलिसिस इनका जो वर्क है 1922 में पब्लिश हुआ. डबलिनर 1914 में, फिनिगैंस वेक 1939 में, अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन 1916 में, द डेड 1914 में, अरेबी 1914 में, चैम्बर म्यूजिक 1907 में, एवेलाइन 1904, स्टेफन हीरो 1944, लेटर्स ऑफ जेम्स जॉयसी 1957, पोमेस पैनिच 1927, द सिस्टर्स 1914, द बोर्डिंग हाउस 1914, अ पेनफुल केस 1914, टू गैलेंट्स 1914, अ लिटिल क्लाउड 1914, एंड इनकाउंटर 1914, द वर्क्स ऑफ जेम्स जॉयसी, काउंटर पार्ट्स 1914, आफ्टर द रेस 1914, द कैट्स ऑफ कोपेनहेगन 2012, फिंस होटल 2013, क्ले 1914, एना लिविया प्लूरा बिली, ग्रेस 1914, द पोर्टेबल जेम्स जॉयसी, अ मदर 1914, आईवी डे इन द कमेटी 1914, जेम्स जॉयसी कलेक्शन, द कैट एंड द डेविल 1936, एंड कलेक्टेड पोइम्स ऑफ जेम्स जॉयसी 1936, द कंप्लीट नॉवल ऑफ जेम्स जॉयसी 2012, द क्रिटिकल राइटिंग ऑफ जेम्स जॉयसी, हेवेथ चिल्ड्रन एवरीवेयर 1913, द एसेंशियल जेम्स जॉयसिस, मॉली ब्लूम्स सॉलिकी, ये भी इनका ही वर्क है. देन शॉर्ट स्टोरी कौन कौन सी हैं जेम्स जॉयसी ने लिखी हैं, जो द डेड, एवेलाइन, अरेबी, द सिस्टर्स, द बोर्डिंग हाउस, एंड इनकाउंटर, अ लिटिल क्लाउड, अ पेनफुल केस, द टू गैलेंट्स, ग्रेस, क्ले, काउंटर पार्ट्स, आफ्टर द रेस, अ मदर, आईवी डे इन द कमिटी, द कैट्स ऑफ कैम कोपेनहेगन. तो इनके वर्क्स में से कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स हैं वो भी हम देख लेते हैं. फर्स्ट है हिस्ट्री, स्टेफन सेड इज अ नाइटमेयर फ्रॉम विच आई एम ट्राइंग टू अवेक. Whatever else is unsure in this sinking dunghill of a world, a mother's love is not. Think you are escaping and run into yourself. Longest way round is the shortest way home. Wow. Mistakes are the portals of discovery. When I die, Dublin will be written in my heart. A man of genius makes no mistake. His errors are volitional and are the portals of discovery. A corpse is a meat gone bad. Well, and what cheese? Corpse of milk. Ireland sober is Ireland stiff. Welcome, old life.
I go to encounter for the millionth time the reality of experience and to fog in the smithy of my soul the uncreated conscious of my race. Island is the old soul that eats her fellow. आज की वीडियो में बस इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग. कीप ऑन लर्निंग एंड कीप ऑन वॉचिंग. गॉड ब्लेस यू ऑल.